फ्रेंड्स नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपके वंदना किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी रैप। तो मैंने इसके लिए लिया है 3 चम्मच मैदा और इसका डबल लिया है मैंने आटा। तो अब थोड़ा सा डाल दूँगी मैं नमक, आटे को हम गूंद लेंगे। आटा गूंद के तैयार कर लिया, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब मैंने लिया यहाँ कढ़ाई, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और 2 चम्मच डाल दूँगी मैं इसके अंदर तेल। अब मैं इसके डालूँगी बारीक चॉप किया हुआ 1 प्याज, बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, 1 कटोरी स्वीट कॉर्न और बारीक बारीक कटे हुए पत्ता गोभी। अब डाल दूँगी मैं इसके बाद में नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ऑरेगानो, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सॉस 2 चम्मच जितना। उसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा मैगी मसाला, उसके बाद डाल दूँगी पास्ता मसाला। सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला वैसे भी बन चुका है, बस 5 मिनट के लिए हल्के हाथ से मिक्स करके और बस सारा मसाला मिक्स हो जाए तो मैं गैस को बंद कर दूँगी। धनिया भी डाल दिया मैंने। अब मैंने रोटी बेल ली है इस तरीके से और थोड़ा कच्चा पक्का मैंने इनको सेक लिया है, पूरे अच्छे से नहीं सेकनी है, कच्चा पक्का ही सेकना है क्योंकि हम एक बार और सेकेंगे इसको तवे पर। तो रोटी भी हमारी बनके तैयार है। अब करते हैं रोटी की फिलिंग की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे जो मसाला बनाया था वो मैंने इस पर रख दिया है रोटी पर, और थोड़ा सा रख देंगे हम चीज़ जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, और बस रैप कर और तवे पर बटर लगा कर एक बार मैं फिर से सेक लूँगी ताकि ये अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारी रैप बन गई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।